ये गाइस वेलकम टू माय न्यू वीडियो। सो गाइस एक ऐसा होता है कि व्हाट टू डू आफ्टर रिजेक्शन, जैसे मैंने क्या किया और क्या कर सकते हो, तो मैं अपनी थोड़ी सी खुद की स्टोरी बताऊंगा और एक सॉल्यूशन भी बताऊंगा कि आप क्या कर सकते हो, तो क्या प्लान करना चाहिए और रिजेक्शन के बाद क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले देखो मैं अपनी स्टोरी बताता हूँ कि जो मुझे लगता है, पहले मैं देखना चाहता हूँ कि मैंने जो इंटरव्यू दिया है उसमें ऐसा लगता है कि मेरी साइड से कोई कमी नहीं थी और मैंने बेस्ट दिया है। मैं शायद एक बार और जाऊँगा तो शायद मेरा लग जाएगा, तो आप फिर स्लॉट बुक करो विद इन अ मंथ और टू मंथ, तो फिर चल जा सकते हो। बट अगर आपको लगता है कि आपकी प्रोफाइल में थोड़ी सी कमी है या कुछ आपसे गलती हुई है या कुछ ऐसा मेजर प्रॉब्लम हुई है, तो आप उस चीज़ को चेंज करो, एक छोटा सा गैप लो नेक्स्ट इनटेक तक का, उसको फुलफिल करो, एक्सपीरियंस गेन करो या डिप्लोमा करो अपना, एक 1 ईयर का डिप्लोमा कंप्लीट करो। अगर आप परसेंटेज से लैक कर रहे हो, ज़्यादा गैप से लैक कर रहे हो, तो कुछ ना कुछ एक सॉल्यूशन फाइंड करो उसका, जैसे बाय डिप्लोमा करने से या फिर आपके ना आईज वगैरह नहीं दिए या आपकी यूनिवर्सिटी छोटी थी या कुछ भी ऐसी आपको जो भी लगता है कि मेरी इस वजह से रिजेक्शन आई है और आपको लगता है आप मेरे रिजेक्शन का कोई रीज़न नहीं है, मैं अपनी जगह बिल्कुल 100% सही था, मेरा लक अच्छा नहीं था, तो आप दोबारा विद इन अ मंथ जा सकते हो। बट लेकिन अगर आपको भी मेजर चेंजेस करने हैं तो 6 मंथ या 1 ईयर का गैप लेना ही पड़ेगा। एंड ये भी मैं सब मुझसे पूछ रहे हैं कि ब्रदर आपका क्या सीन है, तो मैं भी थोड़ा गैप ले रहा हूँ फिर अप्लाई करूँगा। बस यही है थोड़ा प्रोसेस, अब मेरे को पहले अच्छे से अपनी फाइल को कंप्लीट करना पड़ेगा, बेटर बनाना पड़ेगा, फिर मैं अप्लाई करूँगा। फिर भी कोई क्वारी है तो इंस्टाग्राम पे DM कर देना, कोई भी क्वारी को लेकर। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।